अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और अल्लाह ताला से दुआ है इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। माशाल्लाह ईद की कलेक्शन जो है लॉन में और पेपर लॉन दोनों में आ गई है। मैं ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको अच्छा ये जितनी भी लॉन है ये ब्रांडेड लॉन है ठीक है। तो ये शर्ट है ठीक है, इसके साथ फिश मुकेश का काम हुआ हुआ है, बीच में क्रॉस स्टिच और बीच में सीक्वेंस का काम हुआ हुआ है, ये देखिए ठीक है इस तरह का। और साथ ही गोटे का भी इसमें गले में काम हुआ हुआ, ये मैं दिखाती हूँ। जेट ब्लैक कलर है ठीक है, बैक साइड पे इस तरह दाना है और यहाँ पे इसके दोनों बाजुओं का काम ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है प्लम कलर है, एलसीडी गोटा रेशम का बीच में खूबसूरत काम सीक्वेंस के साथ जो है। ये जो इस वक्त आपको वीडियो में प्लम नज़र आ रहा है इससे थोड़ा ब्राइट सा खूबसूरत सा प्लम कलर है ठीक है। ये आप देख, ये शर्ट का फ्रंट बीच में शीशा भी लगा हुआ है ज़ीरो साइज का, बैक में यहाँ से इसके बाजू ठीक है दोनों। नेक्स्ट जो है जी ये ग्रीन कलर है, ये बीच में पूरा जो है ना अच्छा इसका छान बना हुआ है रेशम का भी, एलसीडी गोटा ठीक है रेशम के साथ जो है लॉन्ग गला बना हुआ है डबल शेडेड कलर में ठीक है। यहाँ से इसके बाजू ठीक है, ये बैक साइड है और इसका ये थ्री पीस है ठीक है। ये आप देख लीजिए, ये इसका खूबसूरत हसीन दुपट्टा माशाल्लाह, ये देख लें फोर साइडेड बॉर्डर के साथ बना हुआ है ठीक है। और ये इस तरह अच्छा अच्छा जी, ये ऑर्गेन्जा पे बना हुआ है। ये आपको पता है कि एलसीडी गोटे के साथ हैंडमेड गोटा होता है, ये सारा नीडल के साथ लगा होता है ठीक है। ये देखिए ये बाजू बीच में ये छन, ये कुर्ता स्टाइल में इसकी शर्ट है ठीक है। और बड़ा सॉफ्ट सा कपड़ा ठीक है, प्योर ऑर्गेन्जा है तो ये चुभने उभने वाला इस तरह का कोई नहीं। नीचे आप लॉन की लाइनिंग लगाएं बहुत खूबसूरत, बैक साइड पे भी इसके आप ये देख लीजिए ठीक है, बैक साइड पे भी इसकी छड़ी है। ये इसका फोर साइडेड दुपट्टा, दुपट्टा रेडी टू वेयर है, इसमें बस ये दो ही सूट बन के आए। नेक्स्ट जो है जी ये ब्लड मैरून कलर, ये देखिए ठीक है, ये शर्ट का फ्रंट वही कुर्ता स्टाइल बेइंतहा खूबसूरत। ईद के बाद बकरा ईद शादियाँ बहुत सारी जगहों पे आपके ये जो है लॉन के साथ एक लग्जरी जो है वो काम बहुत खूबसूरत है। ये इसका दुपट्टा फोर साइडेड ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं आपको शर्ट दिखा रही हूँ शीशा वर्क के साथ और क्रॉस स्टिच बेबी पिंक कलर में है, सारा लॉन्ग गला बना हुआ है शीशे के साथ ठीक है। बैक पे सारे जो है वो शीशे के बूटी और यहाँ से इसके बाजू, बाजू के ऊपर इस तरह का जो काम होना है, इसमें जो है आपको ये स्काई ब्लू साथ कलर मिल जाएगा ठीक है। ये ब्राइट नज़र आ रहा है लेकिन ये खूबसूरत खिलता हुआ स्काई ब्लू ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है मस्टर्ड में है क्रॉस स्टिच और छह शीशों के साथ इसकी बूटी बनी हुई है ये ठीक है। इसके गले का पैटर्न इस तरह का है, थोड़ा ऊपर करो ठीक है। बैक इस तरह शीशा पूरा, यहाँ से इसके बाजू। अच्छा, इसमें आपको जो है वो ये ग्रीनिश टोन में एक सूट मिल जाएगी, शर्ट मिल जाएगी और एक इसमें आपको ये पीच कलर में मिल जाएगी ठीक है। नेक्स्ट जो है लेमन येलो कलर, ये एलसीडी गोटा और शीशे के साथ है, ये देखिए लॉन्ग गला सीक्वेंस के साथ और शीशे के साथ और गोटे के साथ बैक ठीक है। इसमें आपको ये बेज कलर मेहंदी सबल के कलर है ठीक है, जैसा नज़र आ रहा वैसे ही खूबसूरत है ये कलर है ठीक है। काम इसका इस तरह का दोनों को बनाओ। अच्छा जी, ये मैरून शर्ट है एलसीडी गोटे और रेशम के भरे हुए का फ्लावर्स बने हुए हैं इसमें ठीक है, सीक्वेंस के साथ। बैक इसकी सिंपल होती है और इसके बाजू जो है वो इस पैटर्न के ऊपर होते हैं। अच्छा, यहाँ से ये सारे टू पीस मैं आपको दिखाने लगी हूँ पेपर लॉन के ऊपर ठीक है। अरे हमारा जो प्योर के ऊपर बन के आया है ठीक है, वही सारा काम जो है इसके ऊपर कटदाना सितारा और सीक्वेंस के साथ जो है, ये देख लेमन येलो कलर है, ये सारा हैंडमेड काम है। ये एक बाजू इसका यहाँ से बनेगा, बैक पे खूबसूरत बंच और बहुत खुला कपड़ा है ठीक है।
अच्छा, इन सब के साथ दुपट्टे जो है खाड़ी नेक में हैं, तो ये आप पाउडर शेड के अंदर डाई हो जाएंगे, डार्क में नहीं डाई होंगे, ठीक है। पेंट की गारंटी है, कोई किसी किस्म का पेंट इधर उधर मूव नहीं करेगा, ठीक है। पाउडर शेड में आप इसको डाई करवा लीजिए, अगर आपने वाइट नहीं पहनना, ठीक है। ये सारी इसकी बेल है दोनों साइड पे, ठीक है, और बीच में इस तरह के बंच बने हुए। नेक्स्ट जो है ये एप्पल ग्रीन कलर है, इसमें ये बंचेस बने हुए हैं इस तरह के, कटदाना और सीक्वेंस के साथ। यहाँ से बाजू, बैक बड़ा बंच, ये इसका दूसरा बाजू। माशाल्लाह इसका दुपट्टा देखें आप, इसके दुपट्टे के ऊपर बहुत खूबसूरत काम बना है। ये देखिए पूरा ये जो है ना एक ट्री स्टाइल के अंदर इसका बड़ा बंच बना हुआ है एक पल्लू पे। फिर यहाँ पे दो बड़ी खूबसूरत सी बटरफ्लाई आ रही है, एक ये, ठीक है, और एक ये बटरफ्लाई है। इसी तरह दूसरे पल्लू के ऊपर भी बड़ा खूबसूरत हुआ। आप इसमें से कोई भी पाउडर सा शेड उठा कर उसको आप अगर डाई दुपट्टा करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो है पीच कलर, खूबसूरत कॉम्बिनेशन। आप देखिए पान पत्ते का पैटर्न बना हुआ है इसके ऊपर, कटदाना सीक्वेंस, ये पूरा बंच। यहाँ से एक बाजू, बैक, और ये इसका बैक साइड का बाजू। इसका भी आप दुपट्टा देखें, ये तीन 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 मीटर दुपट्टे हैं, ठीक है। ये इसके इस तरह के पूरे जो है वो दुपट्टे के अंदर इस तरह के बंच बने हुए हैं, ठीक है। ये देखिए खोलो पीछे, नेक्स्ट जो है ये, अच्छा जैसे ये भी एग वाइट है तो आप इसको डाई करवाना चाहते हैं तो डाई करो। ये दामन के साथ है ऊपर, ऐसे ऊपर, ये देखिए ये दामन बना हुआ है इसका और भरा हुआ है कटदाने और सीक्वेंस के साथ। ये देखिए इसको आप हल्का सा जो है ना लाइट सी टोन में डाई करवा लें। ये इसके पूरा ऊपर जो है वो बूटियाँ बनी हुई हैं। ये इसके बाजू, एक बाजू, और ये खूबसूरत भरा हुआ है इसका बैक जो है वो बंच। इधर इसके आप जो दुपट्टा देखिए, माशाल्लाह भरा हुआ दुपट्टा है। ये देखिए पैटर्न आपके सामने दुपट्टे का, पाउडर से शेड डाई करवा लीजिएगा। अच्छा ये अटकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये देखिए दुपट्टा देखिए ख़त्म नहीं हो रहा, इतना लंबा दुपट्टा है, ठीक है। और आप इसकी एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये देखिए इसके अंदर ये कितनी खूबसूरती के साथ पेंट के साथ कॉम्बिनेशन है। अच्छा जी नेक्स्ट जो है ये एप्पल ग्रीन कलर है, ये देख लीजिए, ठीक है। इस तरह की इसकी बूटी, यहाँ से इसके बाजू, बंच, इसका भी सेम वैसे ही दुपट्टा है जैसे पहले मैंने आपको दिखाया, ठीक है, ये आप देख लीजिए। और उसी तरह इसकी बटरफ्लाई, नेक्स्ट आप देखें ये भी वाइट पे, आप अपनी मर्जी से ये ब्लू जो कलर है ना इसका, ये मैरूनिश या ग्रीन टोन के अंदर आप पाउडर से शेड इसका डाई करवा लीजिए, ठीक है। बाजू, बैक पंच, इसका भी दुपट्टा जो है वो उसी स्टाइल में है, ठीक है। एक पंच इस तरफ है बड़ा और बीच में इस तरह की बटरफ्लाई। नेक्स्ट जो है ये टी पिंक कलर है, इसका भी दामन बना हुआ है, ये थोड़ा बड़ा दामन है, 26-28 दामन है इसका। ये खूबसूरत इसकी बूटी, यहाँ से इसके बाजू, बैक, और खूबसूरत फैला हुआ बंच। इसका भी दुपट्टा आप देख लीजिए, माशाल्लाह ऊपर करो, लग्जरी दुपट्टा है, ठीक है, पूरा फैला हुआ। ये देखिए कितना खूबसूरत काम हो रहा है,
नेक्स्ट आप देख लीजिए, ये देखिए ये एक वाइट कलर में है पैटर्न आपके सामने भरा हुआ माशाल्लाह काम एकदम स्ट्रेट कर दी। इसके बाजू बैक यहाँ से एक बाजू बनेगा। ये आप इसका दुपट्टा देखिए, दोनों साइड पे खूबसूरत बड़ी बेल बन जा रही है। ये मैंने डबल किए हुए क्योंकि पहले ये दुपट्टा हो गया तो फिर मैं ठीक है। नेक्स्ट है जी ये बेज कलर है, ठीक है यहाँ से इसका बाजू बैक बड़ा बंच बहुत खूबसूरत स्टिच होके कमाल के ये लगते हैं माशाल्लाह। इसका भी दुपट्टा देख लीजिए आप, खाड़ी नेट के दुपट्टे हैं, डाइएबल हैं, आप अपनी मर्जी से लाइट्स की टोन में इसको डार्क नहीं होगा लाइटर टोन में डाई होगा। समर का है तो मेरे ख्याल में डार्क करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी इस पर डार्क पेंट और हैवी वर्क हुआ हुआ है, ठीक है। इसका दुपट्टा तो आज की वीडियो यहीं तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, आपने जस्ट स्क्रीनशॉट लेना है व्हाट्सअप करना है, हमेशा की तरह दुआ जिसके पास वो ये ड्रेसेज आएँ अल्लाह उसे पहनना नसीब करे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, फी अमानिल्लाह।